दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा की बात कर जाए तो वायु गुणवत्ता जो है वो खराब होती जा रही है। इसको लेकर के सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जल्द से जल्द इसको सुधारने का जो है वो कोशिश की जाएगी। ग्रे फोर में इस समय फरीदाबाद है, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों का बाहर निकलना कहीं ना कहीं मुश्किल है, गले में खराश, आंखों में जलन और कई ऐसी गंभीर समस्याओं से लोग जो है वो जूझ रहे हैं। आखिर सरकार किस तरीके से इसको देख रही है और विपक्ष किस तरीके से इसको देख रहा है, हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल उनसे जानते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हो लगातार बढ़ते इस वायु प्रदूषण को? जो भाजपा ने तमाम मर्यादाओं को लांघ कर दिया, लोगों के जीवन को दांव पे लगाने का जो ये काम किया है कि इतना खराब प्रदूषण का स्तर पूरे उत्तर भारत में हैदराबाद के अंदर आ चुका है। जैसा आपने कहा, आंखों में जलन, गले के अंदर खटास, और न रात को नींद आती है, न पार्कों में सैर हो सकती है, ना किसी खाने का कोई आनंद है, और भाजपा चैन की नींद सो रही है। भाजपा के नेता नाजायज कॉलोनियां काटने में लगे हुए हैं, बंद इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को खरीद करके उनके छोटे छोटे प्लॉट बना करके और प्रदूषण को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। नाजायज बसें भाजपा नेताओं की चल रही हैं, उनसे प्रदूषण बिगड़ रहा है, लेकिन उन नाजायज बसों को रोकने वाला नहीं। जो सड़कें हैं, जिसका पैसा सड़कों के निर्माण का फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से आ चुका है, ठेकेदारों की मिली वजह से भाजपा के नेता उस पैसे को डकार चुके हैं, और इन टूटी सड़कों की वजह भी इस बढ़ते हुए प्रदूषण का एक कारण है। पहाड़ों में नाजायज खुदाई जो हो रही है, उसकी वजह से फरीदाबाद के ऊपर ही प्रदूषण का जो माहौल है बिगड़ने का एक कारण है। न सफाई है, न सरकार की तरफ से कोई रोकथाम है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट धन कमाने में लगा हुआ है। कितने ही कारखाने बिना पॉल्यूशन की मर्जी के डिपार्टमेंट के जो चल रहे हैं, ये प्रदूषण उसकी वजह से सबसे ज्यादा खराब है। कहीं ना कहीं मंत्री जी, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर लगा रही है, चाहे फिर आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस किसी और पर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। कोई भी सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये आम किसी राजनीतिक पार्टी की तो ये समस्या है नहीं, ये आम लोगों की समस्या है, आम जनता की समस्या है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ इस तरीके की कुछ समाधान? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, जैसे दिल्ली की सरकार ने पानी की बौछारें करते हैं, उड़ती हुई धूल और धुएं को मिटाने का काम करते हैं, उससे प्रदूषण में राहत मिलती है, इसी तरीके से जो टूटी सड़कें हैं उनका निर्माण वहां हो रहा है, हमारे यहाँ निर्माण नहीं हो रहा है। नाजायज बसों को रोकने की यहाँ कोई किसी तरह की गतिविधि नहीं है, पहाड़ों की नाजायज खुदाई को रोकने की कोई गतिविधि नहीं है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती कि उनके डिपार्टमेंट के होते हुए इस तरह का प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने क्यों चल रहे हैं? तो ये सारी भाजपा की शरारत है, उन्हें धर्म की आड़ में लोगों का लूटने का, लोगों को का शोषण करने का उनको बहाना जो मिला हुआ है, उसकी सजा आज फरीदाबाद के तमाम लोग भुगतने के लिए मजबूर है, जिसमें भाजपा के लोगों की भी आज सांस लेने में और प्रदूषण की वजह से उनके घरों में भी ये तकलीफ है जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, कहता है वाटर फॉगिंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं 200 लोगों की टीम बनाई गई है जो कि निगरानी कर रही है, कौन जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं उनको पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर जो है वो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, धरातल पर ये लोगों को गुमराह करने वाले बयान हैं, और हमारी चुनौती है कि अगर इन्होंने कहीं कोई गतिविधि की है तो प्रेस के भाइयों को बुला करके दिखाएं। ये केवल इसके नाम पर भी करोड़ों का घोटाला करने में जुटे हुए हैं, ये बाद में दिखाएंगे कि हमने इतना छिड़काव किया, हमने इतना उसका इंतजाम किया, इनके पास सरकारी अस्पतालों में दवाइयां तक है नहीं, लोगों को मजबूर होकर के प्राइवेट अस्पतालों में लुटना पड़ रहा है, कहाँ है प्रशासन? और फरीदाबाद के अंदर लोग जो रहते हैं उनका दम घुट रहा है, वो मरने को मजबूर हैं, लेकिन कोई उनकी हालत को जानने के लिए तैयार नहीं है, केवल राजनीति की बातें होती है। केवल राजनीति की बातें जो है वो होती हैं, ये कहना है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का, और साफ तौर से कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई भी दे रहा है इनका जो इनके बयान है, इनकी सच्चाई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी आज की डेट में अगर वातावरण की बात कर जाए तो काफी दूषित हो चुका है। उसको लेकर के सरकार को भी कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए और आम लोगों को भी इस मुहिम के अंदर कहीं ना कहीं हिस्सा लेना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो लगातार जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता है वो कंट्रोल की जा सके और कहीं ना कहीं सुधार हो सके, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी
सुरक्षित हो पाए। फरदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।